सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर जिसका नाम है गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी के सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के बारे में, जो कि है सीएसई एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों, हमारे पास ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ अपडेट आया है जिसको मैंने सोचा कि आप सभी को हमें इम्पार्ट करना चाहिए और जल्दी से जल्दी आपको ये अपडेट देना चाहिए, ताकि आप भी जो इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए हैं उनको ये अपडेट जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो दोस्तों, इस बार का जो सीएसई का एग्ज़ाम हुआ है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स जो हमारे पास आई हुई हैं उसको मैं शेयर करने वाला हूं अपनी इस वीडियो में। तो ये वीडियो को अंत तक देखते रहिए और जानिए उन सारी डिटेल्स को। साथ ही साथ में ये भी जानिए कि आपको रिज़ल्ट कब मिलेगा, सीएसई 2019 प्रीलिम्स का रिज़ल्ट कब आएगा और किस तरीके से आप उसे चेक कर सकते हो, उसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ में किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से आप अपने रिज़ल्ट को जल्दी से जल्दी चेक कर सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आप फर्दर प्रोसीजर में प्रोसीडिंग कर पाएँ। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं इन सारी डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन एंड द हिट द बेल आइकन बटन, सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट टू गेट एनी न्यूज़ अपडेट from the government job, and we will give you all kind of updates that is related to the government job, as well as you will get the notification of our every new video, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियो हमेशा आप सभी के लिए रोज़ लाते रहते हैं और इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड फैक्ट्स और फिगर्स, साथ ही साथ में उनके पूरे जॉब से रिलेटेड अपडेट के साथ हम रेगुलर बेसिस में आप सभी के लिए इस तरीके की वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को जिसका नाम है गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए जानते हैं यूपीएससी के सीएसई एग्जाम से जुड़े हुए सारे डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आईएएस एग्जाम 2019 का जो पेपर का एनालिसिस है, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेबस एंड पैटर्न्स के बारे में हम बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में हम आपको और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे जो हमारे पास ऑफिशियल्स की तरफ से आई हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईएएस 2019 प्रीलिम्स एग्जाम हैज़ बीन सक्सेसफुली कंक्लूडेड ऑन द June 2, 2019 इन ऑफलाइन मोड। तो जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था वो June 2, 2019 में कंक्लूड किया जा चुका है। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, द पेपर वॉज एक्सट्रीमली टफ, डोमिनेटेड बाय द क्वेश्चन ऑन द करंट अफेयर एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चार्जेस, इंक्लूडिंग फ्रॉम 15 to 17 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंजेस। सो जो हम लोगों के टीम ने एनालिसिस किया और साथ ही साथ में हमने कुछ सर्वे किया कई स्टूडेंट्स का, तो हमें ये पता चला कि इस बार का जो पेपर है वो काफ़ी डोमिनेंट रहा था, जिसमें करंट अफेयर और टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 15 to 17 क्वेश्चंस क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है जो आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। द रिजल्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज इन द मंथ ऑफ जुलाई एज आईएएस मेंस इज शेड्यूल फॉर द September 20, 2019। तो जो आईएएस एग्ज़ाम का जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है वो 20 September 2019 को है। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आपका रिजल्ट आने वाला है। तो बहुत ही जल्दी आप एक दो दिन के अंदर देखेंगे कि आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला है, और मैं जल्दी से जल्दी आपके पास आऊँगा रिज़ल्ट को लेकर के, और उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आगे भी वीडियो में दूंगा। साथ ही साथ में आपको नोटिफिकेशन मैं कंटिन्यूस देता रहूँगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप उन नोटिफिकेशन को कभी फ्यूचर में मिस ना कर पाएँ। ओनली कैंडिडेट्स क्लियरिंग द प्रीलिम्स कट ऑफ विल एलिजिबल टू अपीयर इन द आईएएस मेन एग्ज़ाम। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको मेंस का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रीलिम्स की कट ऑफ को क्लियर करना होगा। आईएएस मेन एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ 7 मेरिट डिराइविंग पेपर एंड 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर। तो यहाँ पे आपको ये रखना होगा ध्यान कि 7 मेरिट डिराइविंग पेपर्स होते हैं और साथ ही साथ में 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर भी होते हैं, जिनमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक डिटेल में ये बता देता हूँ कि एग्ज़ाम कब कब कौन से शेड्यूल है।
तो जो आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम है वो 2 जून 2019 को ओवर हो चुका है, साथ ही साथ में जो आईएएस मेन एग्जाम है जो कि 20 सितंबर 2019 को कंडक्ट होने वाला है जो फ्यूचर में है, साथ ही साथ में इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट भी साथ ही साथ में चलते रहेंगे जिसके बारे में हम आपको फर्दर में बताएंगे। स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टू ब्रश अप देयर प्रिपरेशन, तो आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को देखना चाहिए। साथ ही साथ में आप हमारे चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर जा करके भी कई सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देख सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड होंगे और आपको काफ़ी मदद करेंगे। सो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। अब मैं आपको सबसे पहले कुछ एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ। एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन कंडक्ट करवाता है, साथ ही साथ में जो पेपर होता है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हाइलाइट्स ऑफ एन आईएएस एग्ज़ाम के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम नेम जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, एग्ज़ाम का लेवल है वो नेशनल लेवल है, कंडक्टिंग बॉडी जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो upsconline.nic.in है, साथ ही साथ में एग्ज़ाम पीरियडिसिटी जो होती है वो ईयरली है यानी ये ईयर में एक बार होता है, एग्ज़ाम मोड जो है वो है ऑफलाइन पेन पेपर मोड होता है यानी ये एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं कंडक्ट कराया जाता है, और एक्सेप्टेड जो तुम्हारी आप लोगों की एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन डेट होती है वो अप्रॉक्स 3 लाख होती है, तो यानी ऑलमोस्ट 3 लाख लोग इस पेपर में अपीयर होते हैं, और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती है वो नियरली 900 रहती है जो कि सेलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स जो होता है वो डिपेंड करता है उस साल की नोटिफिकेशन के ऊपर। तो इस बार की जो नोटिफिकेशन निकली है वो उसमें सीट्स थोड़ी सी कम है जो कि अराउंड 784 सीट्स की ही हमारे पास डिटेल है कि उन एग्ज़ाम्स में आपको इन पोस्ट के लिए 784 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन इस साल जारी किए गए। अब जान लेते हैं आईएएस एग्ज़ाम 2019 की एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि रिलीज़ ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म फेबररी 2019 में ही हो गया था और मार्च 18 तक ये चला था। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड 30 2019 में हुआ था। आईएएस प्रीलिम एग्ज़ाम 2 जून 2019 ओवर हो चुका है। यहाँ तक की डिटेल्स आपको पता होंगी। अब आगे की मैं आपको बता देता हूँ, जो अनाउंसमेंट ऑफ द प्रीलिम्स रिजल्ट होगा वो जुलाई के सेकेंड वीक में होगा यानी आने वाले 1-2 दिन में आपको आपका अपना रिजल्ट पता चल जाएगा। साथ ही साथ में आईएएस मेन एग्ज़ाम 2019 जो है वो 20 सितंबर 2019 को है और अनाउंसमेंट ऑफ द मेन एग्ज़ाम रिजल्ट जो होगा वो जनवरी के सेकेंड वीक में होगा 2020 में। तो ये एग्जाम्स रिलेटेड सारे हाईलाइट्स थे। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो कैंडिडेट हैविंग द फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटअप बाय द अथॉरिटीज टू टेक द एग्जामिनेशन, द एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स आर सेट ऑन द बेसिस ऑफ द नेशनैलिटी, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड द फिजिकल स्टैंडर्ड। तो इन पैरामीटर्स के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका किस तरीके से हम बता सकते हैं कि आप एलिजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले एज लिमिट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो जो लोअर रेंज ऑफ एज लिमिट है वो होती है आपकी 21 ईयर जो कि ऑन अगस्त 1 2019 तक होनी चाहिए आपकी, और अपर एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है जो कि आपको चेक कर लेनी चाहिए 1 अगस्त 2019 तक। फॉर एससी एसटी अप टू 5 ईयर एज आपको रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर और डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड इन द ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज़ अप टू 3 ईयर तक की है, और एक्स सर्विस मैन जो है वो 5 ईयर तक की उनको रिलैक्सेशन है। साथ ही में ECOs एंड SSCOs हु हैव कम्प्लीटेड एन इनिशियल पीरियड ऑफ असाइनमेंट ऑफ 5 ईयर ऑफ मिलिट्री सर्विस अप टू 5 ईयर है, PWD कैंडिडेट्स के लिए अप टू 10 ईयर है, और डोमोसाइल्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द January 1, 1980 से जो है उनको December 31, 1989 अप टू 5 ईयर तक की रिलैक्सेशन है। तो ये थी एज रिलेटेड क्राइटेरिया के बारे में। अब हम आपको बता देते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो एप्लीकेंट मस्ट होल्ड द ग्रेजुएट डिग्री और द इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी सिंपल है, आपको ग्रेजुएट
होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं UPSC 2019 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें हम आपको बता चुके थे पहले भी वीडियो में, और आज मैं फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट कर करके आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म को सबमिट करना था। तो ये सब चीज़ें आप कर चुके होंगे, क्योंकि वैसे ही मेन का एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है और प्रीलिम्स आप दे चुके हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके थे। अब आपको क्या करना चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी अपने सारे जो मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में जानना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम आपको ग्रुप ए सर्विसेज के बारे में बताते हैं कि जो इसमें टोटल सर्विसेज हैं वो कई मोड में डिवाइड हैं, और इनमें रैंक के हिसाब से वो सर्विसेज में आप अलॉट होंगे। तो जो ग्रुप ए सर्विसेज है उसमें क्या क्या आती है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने सेलेक्टिव ब्रांच में जल्दी से जल्दी प्रेफरेंस ले पाएँ। तो सबसे पहला जो होता है वो IAS होता है, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये होती है। आप इसमें जा सकते हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में जा सकते हैं, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज में, इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज में, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जा सकते हैं, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में जा सकते हैं, और साथ ही साथ में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, असिस्टेंट वर्कर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। साथ ही साथ में आप IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज में भी जा सकते हैं, इंडियन पोस्ट ऑफ टेली कम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विसेज में, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंटेंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जिसमें कस्टम ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज भी आती है, साथ ही साथ में इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स में जा सकते हैं, इंडियन ट्रेड सर्विसेज में जा सकते हैं, और असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर इन द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भी आप जा सकते हैं। साथ ही साथ में अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप बी सर्विसेज के बारे में, तो आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज में आप जा सकते हैं, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन एंड दीव दादर एंड नागर हवेली सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। साथ ही साथ में दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन एंड दीव दादर एंड नागर हवेली में आप पुलिस सर्विसेज में भी जा सकते हैं, और साथ ही साथ में पुडुचेरी में आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, और पुडुचेरी में आप पुलिस सर्विसेज में भी जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं IAS 2019 एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ामिनेशन स्कीम के बारे में। तो जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है उसके हिसाब से IAS एग्ज़ाम 2019 कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज, नेमली प्रीलिम्स, मेन एंड पर्सनल इंटरव्यू। ईच एग्ज़ाम हैज़ डिफरेंट पैटर्न एंड डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन। सो द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, और वो ओवर भी हो चुका है, तो आपको काफ़ी कुछ उसके बारे में पता ही होगा। और जो मेन्स एग्ज़ामिनेशन है वो आपको थोड़ा डीप में नॉलेज में जा कर के पढ़ना पड़ेगा, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको पढ़ना चाहिए, और जा कर के आपको अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है मेंस में तो आप हमारे वीडियो में जा कर के कमेंट डाउन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ईमेल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके भी अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं, जहाँ पे हमने पहले ही क्लियर किया हुआ है कि आपको कौन सा सिलेबस कैसे पढ़ना है और किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, मोड जो होता है वो ऑफलाइन होता है, और मेंस जो होता है वो भी ऑफलाइन होता है। मीडियम जो होगा वो आपकी बायलैंग्वेजल होगी, यानी आपको इंग्लिश और हिंदी में होगा, और आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर देने को मिलेगा। साथ ही साथ में नंबर ऑफ़ क्वालिफाइंग पेपर जो होते हैं वो 2 होते हैं प्रीलिम्स के लिए, और साथ ही साथ में मेंस के लिए होते हैं 7, और टोटल वेटेज जो होता है प्रीलिम्स का वो 400 मार्क्स होता है, और इसमें मेंस में होता है 750। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रीलिम्स में, साथ ही साथ में मेंस में बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होते हैं। नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर में जो मेंस होता है उसमें 1/3 होती है, एंड 1/3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए होती है मेंस के लिए। साथ ही साथ में ड्यूरेशन ऑफ एन एग्ज़ाम जो होता है वो 2 आवर्स का होता है, और मेंस के लिए होता है 3 आवर्स का ड्यूरेशन। तो ये थे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अब जो हम बात करने जा रहे हैं आप सभी से, बुक्स के बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री के लिए पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में, आपको इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, इंडियन एंशियंट पास्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, अ न्यू बुक एट अ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, द वंडर दैट वॉज एन इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ना चाहिए, द इंडियन आर्ट एंड कल्चर आवर पार्लियामेंट, ज्योग्राफी ऑफ एन इंडिया, साथ ही साथ में ऑक्सफर्ड स्कूल एटलास भी आपको पढ़ना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी
CSAT book, cracking the CSAT paper, second certificate, physical and human geography, Indian political for civil service examination, Indian economy, environmental studies ke bare mein, a history of modern one in environmental and civil services prelims ke bare mein aapko padhna chahiye, facts or figures ke bare mein, of Indian culture ke bare mein, Indian constitution or verbal and non-verbal reasoning bhi aapko padhni chahiye. To ye sari books ka naam maine bataya, sath hi sath mein agar aapko koi doubt hota hai to aap humse pooch sakte hain. Ab baat kar lete hain kuch cutoffs ke bare mein jo ki hame dekhna chahiye category wise. तो जो प्रीलिम्स के लिए होती है वो जनरल कैटेगरी के लिए होती है 150 टू 200, मेंस में होती है 660 से 679 और फाइनल जो हो जाता है वो 660 से 860 से लेकर 889 तक होता है. जो ओबीसी के लिए होती है वो होती है 140 प्रीलिम्स के लिए हो जाती है अप टू 201 तक जाती है और मेंस जो होता है वो 600 से 631 तक जाता है. फाइनल आपकी 809 टू 845 तक जाता है. एस टी के लिए जाता है 103 से 180 तक, मेंस में जाता है 610 टू 620 तक और फाइनल 800 से 815 तक. एससी के लिए जाता है 101 से 185 तक, मेंस में जाता है 615 से 633 तक और फाइनल जाता है 815 से लेकर के 835 तक. तो ये थे कैटेगरी वाइज. और PH1 के लिए जो जाता है 101 से जाता है और मेंस आता है 550 और फाइनल लगभग 800 से 820 तक रहता है. PH2 के लिए रहता है 89 से 120 तक, जो कि होता है 550 तक मेंस और फाइनल जो होता है वो 780 से 835 के बीच में रहता है. तो ये थे आपके कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में. अब आइए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या होता है. बेसिकली आपके 15 लाख कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें से ऑलमोस्ट आपके 10 लाख पीपर पेपर देते हैं और इसमें 33% मार्क्स आपको जनरल साइंस सेक्शन में और बाकी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होता है. साथ ही साथ में आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहिए तब आप मेंस के लिए जा पाएंगे. तो ये स्टेप वाइज पेपर होते हैं. अगर किसी एक में भी आप फेल होते हैं तो उसके बाद फर्दर प्रोसेस में आप नहीं जा पाएंगे. पेपर के मार्क्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो कि है मेंस के लिए 750 मार्क्स. कैंडिडेट्स को देखना चाहिए कि आप इसमें से टोटल कितना स्कोर कर सकते हैं. मार्क्स ऑब्टेन इन द पर्सनल इंटरव्यू आउट ऑफ 275 मार्क्स विल बी कंसीडर वाइल प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ द फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट. तो 275 का इसमें आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन भी होते हैं. तो दोस्तों आई होप कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स आपको अच्छे लगे होंगे CSE एग्जाम से रिलेटेड. साथ ही साथ में आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की अगर कोई क्वेरी होती है फ्यूचर में, आपको रिजल्ट के बारे में कुछ भी जानना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं. हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट को क्लियर करने की. अगर आपको किसी तरीके की कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है. साथ ही साथ में आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल है gmail.com. साथ ही साथ में आप वीडियो के नीचे जाकर के कमेंट डाउन भी कर सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी तीनों मीडियम के थ्रू आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो दोस्तों आई होप आज के इस सेशन में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा. प्लीज़ हमें बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्योंकि हम इस तरीके के सेशन आप सभी के लिए लेकर के आते रहते हैं. तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है गवर्नमेंट क्रैकर्स. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल. थैंक यू.